हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सैनी और आज आपको लग रहा है कि मैं स्पेशल से तैयार हुई हूँ। देखो, मैंने येलो साड़ी पहनी है, येलो चूड़ी है, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है और आज हम जा रहे हैं कलश यात्रा के लिए। और मैं उसका आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि कैसे कलश यात्रा होती है और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरे 7-8 दिन तक चलने वाला है। चलिए, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरी देखिए। यहाँ पर सारी लेडीज इकट्ठी हो चुकी हैं और कुछ अभी आई नहीं, कुछ का वेट कर रहे हैं। और सभी अभी दे यहाँ पर सब आ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं और ये कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर यहाँ से हम सब निकलेंगे अपने अपने कलश लेकर। ये देखिए, हम सब आ गए हैं, हाथों में अपने अपने कलश लिए हुए हैं। और कलश में हमने क्या क्या लिया हुआ है, एक या आपके पास जैसा भी कलश हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो, एक कलश ले लीजिए। उसमें थोड़े से चावल और एक सिक्का डाल दीजिए और एक नारियल और एक चुन्नी, ये सब अपने घर से लेकर हम सब चल दिए हैं। ये देखो, हम मार्केट में आ गए हैं, काफ़ी दूर आ गए हैं और सभी जा रहे हैं। बात हमारे साथ में हैं, देखो उसकी आवाज़ आ रही है। और यहाँ सब हम नहर के किनारे आ गए हैं, गंगा जी के घाट पर आ गए हैं। और गंगा जी के घाट पर यहाँ पर सभी एकत्रित हो चुके हैं और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। शाम के 6 बज चुके हैं और घर से जब हम चले थे तो 4 बजे निकले थे और अभी 6 बज चुके हैं हमने। और यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, गंगा जी का घाट कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ से सबने जल लिया और सबने अपने अपने कलश अपने सर पर रख लिए हैं और अभी चलने की यहाँ से तैयारी हो रही है। अभी 1 by 1 करके सब एक एक करके यहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए, सभी निकल रहे हैं और मार्केट में भी काफ़ी भीड़ है। और ये कहते हैं कि जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से जाते नहीं है। अभी हम आए थे कि मार्केट के रास्ते से, अभी हम जाएंगे दूसरे रास्ते से, वो थोड़ा और लंबा पड़ेगा हमें। ये देखो, सबके सरों पर रखे हुए हैं कलश, कितने सुंदर लग रहे हैं रखे हुए। और इसमें मैं भी दिखाई वे चल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, रथ पर कान्हा जी और राधा जी बैठी हैं और पीछे माता जी हैं जो कथा करेंगी, वो बैठी हुई है। और बैंड बाजे के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब चल रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अब देखो, हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, 6:30 के करीब हो चुके हैं और अभी भी हमें चलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हम 4:30 बजे निकले थे, अभी 6:30 हो चुके हैं। अभी भी देखो, पीछे सभी लेडी जा रही है, कितना एंजॉय कर रही हैं। और बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए हैं। और गाइस, जो भी मेरी चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना और एंजॉय करते रहना। ये देखिए, सभी कितने एक्साइटेड हैं और बस अभी आने ही वाला है और उसके बाद कलश स्थापित होगा। कलश स्थापित होने के बाद 1-2 झांकी होगी, झांकी होने के बाद थोड़ा नाश्ता होगा, फिर नेक्स्ट डे से कथा स्टार्ट हो जाएगी। ओम पावकालः सरस्वती वाजे विरवाजे निर्वतिं गजं वष्टु धिया वसुः सरस्वती नमा वीणा वादिने नमः श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् ज्ञानं परं दीयते तत्र ज्ञानविराग्यवत्तिसहितं नैस्कर्म्यमाविस्तृतं तच्छिन्वन्विपटं विचारण करो भक्त्या विमुचे नरा यं सैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। स्थापित कर रहे हैं, ये देखो, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया, उसके बाद सबके कलश स्थापित हो चुके हैं।
और अभी राधा कृष्ण की झांकी होगी और मैं भी इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी पहली बार कलश यात्रा की है। और ये जो कलश यात्रा होती है ये राधा कृष्ण का डांस हो चुका है। ये वामन जी आए हैं, वामन जी कथा में बैठेंगे और यहाँ पर आरती चल रही है।